कोरोना वायरस के कारण आने वाले दिनों में बाजार बंद रहने की अफवाहों को जिलाधीश ने खारिज किया है। इस मसले पर उपायुक्त ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सभी प्रकार की दुकानें खुले रखने की अपील भी की, ताकि जरूरत की सभी चीजें आम जनता ले सके। इसी के चलते जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि जिला में खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है, लगातार प्रशासन सभी चीजों पर नजर रखे हुए है। कोरोना वायरस के कारण आने वाले दिनों में बाजार बंद रहने की अफवाहों को जिलाधीश ने खारिज किया है। इस मसले पर उपायुक्त ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सभी प्रकार की दुकानें खुली रखने की अपील की, ताकि जरूरत की सभी चीजें आम जनता ले सके। इसी के साथ जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि जिला में खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है, लगातार प्रशासन सभी चीजों पर नजर रखे हुए है। जिलाधीश ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि अभी तक कोई भी कोरोना वायरस पीड़ित मरीज नहीं है, बावजूद इसके एहतियातन सभी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विदेश से आने वाले किसी भी व्यक्ति को 14 दिन के लिए घर में निगरानी में रखा जाएगा। इस प्रक्रिया को होम क्वारंटाइन कहा जाता है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, केवल लोगों के कॉन्टेक्ट में आने वाले व्यक्ति को ही मास्क पहनना चाहिए, ताकि वायरस से बचा जा सके। उन्होंने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही इसे फैलाएं। प्रशासन की ओर से समय समय पर मीडिया के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी जनहित में दी जा रही है, केवल इस जानकारी पर ही विश्वास करें। बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जिला में प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों में केवल इमरजेंसी एंट्री ही दी जा रही है, जबकि अनावश्यक लोगों की भीड़ पर भी रोक लगा दी गई है। आज 20 मार्च के दिन जिला मंडी में कोरोना वायरस को लेकर हम पूरी तरीके से हमारी तैयारियां हैं। जहां पर भी हमने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स निकाले हैं, लोगों को निगरानी में रखा गया है और पूरी स्थिति जो है वो नियंत्रण है। कोई भी मामला कोरोना वायरस का जिला मंडी में आज के दिन यहाँ पर नहीं है, ना ही किसी के पास कोई इसके लक्षण है। जो क्वारंटाइन के लिए सरकार के दिशा निर्देश है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, और पिछले कल जो सरकार के निर्देश आए थे इसके बाद जिला मंडी में जो भी व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल से यहाँ पर आएगा उसको 14 दिन के लिए अपने घर में ही रहना पड़ेगा। होम क्वारंटाइन के रूप में हम उसको रखेंगे, इसको स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारा, चाहे वो हिमाचली हो चाहे वो कोई बाहर से व्यक्ति हो, जो भी आएगा वो होम क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए रहेंगे। इसको स्ट्रिक्टली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिला मंडी में खाने की जो आइटम्स है वो पर्याप्त मात्रा में है। जब से कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था और बाकी चीजें शुरू हुई थी, तब से लेके हमारी लगातार नजर गोडाउन्स पे है, बाकी सब जगह पर है। तो सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यहाँ पर खाने पीने के आइटम्स की कोई भी कमी नहीं है और आने वाले दिनों में भी नहीं रहने वाले। इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। लोगों से अपील करूंगा कि पैनिक के बाइंग ना करें, कि इस तरह से अफवाहों पे विश्वास करके अननेसेसरी चीजें जो है वो लोग खरीद रहे हैं, इस तरह की चीजें कृपया ना करें। यहाँ पर कोई भी शॉर्टफॉल जिला मंडी में नहीं आने वाला है और प्रशासन का पूरी तरीके से इन विषयों पर नजर है। मंडी से भी बात की है, उनसे अपील की है कि सभी दुकानें मंडी शहर की और पूरे मंडी जिले की, ये सभी दुकानें खुली रहेंगी, थ्रू आउट खुली रहेंगी। कोई भी दुकानें किसी भी तरीके से बंद नहीं होगी, ताकि जिसको आवश्यक है वो व्यक्ति आ सकता है, अपनी खरीदारी कर सकता है, सामान जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कोई शॉर्टफॉल नहीं है। और फिर से मैं कहूंगा कि पैनिक बाइंग की आवश्यकता किसी की भी नहीं है। लोग आ सकते हैं, दुकानें भी खुली रहेगी, दुकानें भी कोई बंद नहीं होगी, और जिसको जरूरत है वो आए।